यूं तो जिंदगी मुश्किलों से भरी है, कब तक जिंदगी को कोसते रहोगे, एक बार खुद मजबूत बनकर तो देखो, यकीनन जिंदगी खुद आसान लगने लगेगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी उतने ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुखों का कारण होता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी रुकता नहीं, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। कोई हालात को नहीं समझ पाता तो कोई जज्बात को नहीं समझ पाता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरा किताब भी नहीं समझ पाता। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, इसलिए हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी के सफर में समय के साथ साथ लोगों की नज़रों में भी क्या बदलाव आया है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान कराई और खाली जेब ने इंसान की। माफ़ी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़कर न देखना। यदि मंजिल न मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। गलतफहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। इस जमाने में पराये कम अपने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। लोग कहते हैं वक्त बुरा चल रहा है, किस्मत ही खराब है। अरे जनाब, कभी अपने कर्मों पर भी नज़र डालो, कब तक यूं वक्त और किस्मत को कोसते रहोगे। यूं तो जिंदगी मुश्किलों से भरी है, कब तक जिंदगी को कोसते रहोगे, एक बार खुद मजबूत बनकर तो देखो, यकीनन जिंदगी खुद आसान लगने लगेगी। यूं तो समस्या जिंदगी में हर किसी के लिए हर दिन खड़ी है,
पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो पहली ही फुर्सत में एक चक्कर शमशान का लगा आना, तुमसे भी बेहतरीन लोग यहाँ राख बने मिलेंगे। अपने ही शरीर को एक साथ चार कंधों का सहारा देख मुर्दे की आत्मा भी यह सोचकर रो उठी कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता तो। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूँ, बस फर्क इतना है कल अपनों की तलाश में था और आज खुद की तलाश में हूँ। बिकती है न खुशी न कहीं गम बिकती है, लोग गलतफहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरा वक्त को भी झेलना पड़ता है। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। हर एक चीज़ की कीमत लगते देखा है, इंसान छोड़ो भगवान को भी बिकते देखा है। हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर वही चीज़ें पसंद आती है जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी का किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जब कोई आपकी कदर न करे तब आपका उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना बेहतर है। ज़िंदगी से शिकवे तो सभी को हैं, मगर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायतें नहीं करते। ज़िंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा सा झुकना पसंद नहीं करते। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो सात फेरों के बाद भी नहीं होती। जो दिल में शिकवा और ज़ुबान पर शिकायत कर रखते हैं वो हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान की फितरत है सब कुछ भुला देने की। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर में छांव बांटते रहे, मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, पता तो चलता है कि कौन हाथ पकड़े रहता है और कौन छोड़ देता है। ज़िंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ज़िंदगी जीने के लिए नज़रों की नहीं नज़ारों की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनों से ज़्यादा अपनों की फिक्र है। हर रिश्ता का नाम हो ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई ज़िंदगी को सांसें दे जाते हैं। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है।